हेलो जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेलो उपचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। साथियों, हमने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले जिसमें बताया था कि दस्त को आप कैसे ठीक कर सकते हो घरेलू उपाय के द्वारा। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दस्त के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन कब्ज़ को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि आज के समय में कब्ज़ एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। और कब्ज़, मैं बता देता हूँ, कब्ज़ एक ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर में लगभग 80-85 बीमारियों का निर्माण करती है। कब्ज़ की वजह से 80-85 ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। कब्ज़ से क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी में थकान रहती है, वीक हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन क्रिया है वो कमज़ोर हो जाती है, जोड़ों का दर्द हो जाता है, बायबादी बनने लगती है, गठिया का रूप धारण कर लेती है। और कब्ज़ होने से हमारे जो अंग है, इंटरनल जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, अमाशय है, उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। प्रेशर आने से वो अंग भी हमारे इफेक्टिव होते हैं, और लंबे समय तक अगर कब्ज़ रहती है तो वो हमारे ख़राब भी हो जाते हैं। छोटी आंत बड़ी आंत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, आँतों में मल चिपका रहता है, कोलाइटिस हो जाता है, मुँह में छाले हो जाते हैं, पेट की जो दीवार होती है, जो हमारा अमाशय होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं वहाँ पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, तेजाब, खट्टी मीठी डकार आनी शुरू हो जाती है। तो गंभीर से गंभीर बीमारी भी कब्ज़ से होने स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम बताने वाले हैं आप कब्ज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका है। कुछ महिलाएं जो होती हैं, जो गर्भवती होती हैं, उनकी एक समस्या रहती है कि वो हैवी मेडिसिन, कब्ज़ को ठीक करने के लिए कुछ हैवी मेडिसिन नहीं ले सकते, या फिर कोई जो छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, उनको भी मेडिसिन देना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को किस प्रकार से ये फार्मूला दे करके उनकी कब्ज़ को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, और अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। हमारे पीछे देख सकते हैं एक अमलतास का पेड़ है, देख सकते हैं बड़े ही सुंदर फूल आए हुए हैं, पीले फूल आए हुए हैं। इसको आयुर्वेद के जो जानते हैं वो इसका प्रयोग जरूर कभी ना कभी उनको किया होगा। इसके जो पीले फूल है, इसको हेम पुष्प फूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो फूल होते हैं बिल्कुल अच्छे पीले कलर के होते हैं और सोने के समान होते हैं। इस पर देखिए एक फल भी लगा हुआ है, अभी फूल आए हुए हैं, लेकिन पहले का जो फल है, जो फली होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से इसकी फली होती है, ये स्टार्टिंग में हरी होती है और पकने के बाद ये काली हो जाती है, ये देखिए। और पेड़ पर भी ऊपर लगी हुई है, और फूल भी नए फूल सीजन में आए हुए हैं। तो ये अमलतास का पेड़ है, और आज हम अमलतास के माध्यम से ही आपको बताएंगे किस प्रकार आप अमलतास का प्रयोग करके अपनी कब्ज़ को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, अमलतास की फली लेकर आना है। ये फली है, अगर आपके आसपास कोई पेड़ हो तो वहाँ पर भी आपको इसको तोड़कर ला सकते हो। अगर आपके आसपास पेड़ ना है तो आप पंसारी से, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जड़ी बूटियाँ विक्रेता होते हैं, वहाँ से भी आप अमलतास की फली को लेकर आ सकते हो। बड़ी सस्ती है, कोई ज़्यादा नहीं, दो फली देख रहे 20 रुपये की हो जाएंगे आसानी से। तो आपको करना क्या है, घर पर ला करके इसको तोड़ लेना है। जैसे हम इसको तोड़ते, देखिए तोड़ दिए, इसके अंदर से गुद्दा निकलता है, एक ब्लैक कलर का गुद्दा निकलता है। अगर इसको सीधा ही हम खाते हैं तो इसमें मिठास होती है। अभी आपको करना क्या है, फली का ऊपर वाला जो छिलक है इसको उतार लेना है, और इसके अंदर का भाग का जो गुद्दा भाग है वो निकाल लेना है। और इसको जैसे 15 ग्राम इसका गुद्दा लेना है, और 100 ml पानी में इसको भिगो देना है, और 7 से 8 आपको मुनक्का आप सभी जानते हो, मुनक्का लेना है, और वो भी इसके साथ में ही भिगो देना है। शाम को भिगोना है, सुबह जब तक वो अच्छी तरीके से भीग जाए, उसको अच्छे से मसल करके, अच्छे से उसको बिचूर करके, पानी के अंदर ही उसको छान करके अगर आप पी लेते हो तो ये देखिए कब्ज़ में तो बहुत ज़्यादा रामबाण काम करता है। साथ के साथ जिनको पाचन क्रिया कमज़ोर है, कोलाइटिस है, लंबे समय तक गैस एसिडिटी रहती है, पेट में गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर रहता है, मल चिपका रहता है, खुलकर पेट साफ नहीं होता है, तो उनके लिए ये प्रयोग बहुत ज़्यादा कार्य करता है। अब बात आती है जो महिलाएं हमारी होती है, जो विरेचन की हैवी मेडिसिन नहीं ले सकती, उनके लिए भी आप ये बेझिझक प्रयोग में ले सकते हैं। अमलतास और मुनक्के को भिगो करके शाम को भिगो दो, सुबह उसको निहार मुँह मसल करके ले लीजिए। वैसे छोटे बच्चे होते हैं,
छोटे बच्चे दूध पीते होते हैं उनको हम कोई भी चूर्ण जैसे त्रिफला हो गया और भी काफ़ी चूर्ण होते हैं कब्ज ठीक करने के लिए, वो चूर्ण उनको नहीं दे सकते, तो उनके लिए ये अमलतास बहुत ही कार्य करेगा, क्योंकि जो उनका गुद्दा होता है ना इसमें हल्की सी मिठास होती है और मिठास के कारण जो बच्चा होता है वो बड़ी आसानी से इसको प्रयोग में ले सकता है। तो दोस्तों बहुत ही कारगर उपाय है ये अमलतास है, अमलतास का प्रयोग करके आप अपनी कब्ज को ठीक कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, गंभीर से गंभीर बीमारियां ऐसी है जो कब्ज के कारण उत्पन्न होती है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे नसों की दिक्कत हो, कमर में दर्द होता है, सर्वाइकल होता है, सिर में दर्द होता है, भारीपन होता है, वो भी कब्ज का ही एक कारण होता है। तो कब्ज को आज से ही ठीक कर लीजिए ये अमलतास का प्रयोग करके। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर हेलो उपचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर डालते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।